आप असलम को जानते हैं डीएसपी साहब? कौन असलम? वही आदमी जिसे वारदात की रात वहां होना चाहिए था लेकिन वो वहां पहुंचा नहीं था। क्या आपने पूछताछ की कि वो वहां पर क्यों नहीं था? अच्छा, वो असलम। हमने पूछताछ की और हमें ये पता चला कि कार रिपेयर करने के चक्कर में वो जल गया था और आग से डरकर वो नदी में कूद पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद उसकी बॉडी नहीं मिली। ओह, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो शायद मर गया? नहीं, हो सकता है, क्योंकि उसके बाद वो कभी वापस आए। इन्फॉर्मर्स ऑलवेज डू। व्हाट? असलम वाज एन इन्फॉर्मर, अ पेड इन्फॉर्मर? आप नहीं जानते? बाय द वे, आप लोगों को एक बात बताऊं, ये रॉकी की अपील रिजेक्ट कर दी गई and he will be electrocuted tomorrow at 12. ये मनी ऑर्डर की स्लिप्स हैं जो मेरे हस्बैंड ने भेजी हैं किसी असलम नाम के आदमी को रत्नागिरी में। इसका मतलब असलम जिंदा है। इससे पहले कि रॉकी इलेक्ट्रोक्यूट हो, हमें असलम को ढूंढ निकालना चाहिए। कहाँ है असलम? खामोश असलम, असलम खामोश। हेलो असलम, सुनो, अगर हम तुम्हें ढूंढ सकते तो जाहिर हमें यह भी मालूम है कि तुमने क्या किया, लेकिन हम तुम्हारी जुबानी सुनना चाहते। बोला क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। जाओ यहां से, जाओ। ए जाओ, छोड़ दो मुझे। ऐसे खून से मार दे के मिले हो गए। देखो असलम, मुन्ना ने हमें सब कुछ बता दिया। ना बिहेव योरसेल्फ। कुछ नहीं बता सकता, मर चुका है वो। तुम्हें कैसे मालूम कि वो मर गया? असलम देखो, तुम अभी बहुत दिन जिंदा नहीं रहने वाले हो। ये सब करने के बाद तुम अपने खुदा को जवाब दे पाओगे? सामना कर सकोगे उसका? कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? किसने किया? हाँ, किसने किया बता। सब जानती। ट्रक की डीलिंग नहीं हो रही है, मगर ये सोचा को रास्ते से हटाने की। तुम्हारा धंधा बिना किसी दिमाग में काम करता है। दिमाग में क्या लाए काम? तुम रॉकी को फोन, रॉकी को, और रॉकी को फोन करो, उससे बोलो कि 10 लाख का पैसा मैं कहीं पहुंच चुका हूं। मुन्ना मुझे मत कराओ। मुन्ना देखा, भूल जाने का समझे, और जो कहूंगा वो याद रखना।